शहर के लक्ष्मी भवन चौक के पास ऐश कैफे गोकुल पेट में चल रहे हुक्का पार्लर पर पुलिस ने छापा मारा। यहाँ पर 12 युवकों व 3 नाबालिगों को पकड़ा गया है। यह हुक्का पार्लर लक्ष्मी कृपा 221 गोकुल पेट अंबाजरी नागपुर परिसर में संचालित हो रहा था। 24 फरवरी को पुलिस ने छापा मारकर कार्रवाई की। इस दौरान हुक्का पार्लर के संचालक निमिष सतीश बिसानी, रोपिक बिल्डिंग भिड़े रोड सीता बड़ी को हुक्का पार्लर चलाते हुए पकड़ा गया। हुक्का पार्लर के संचालन में मुंदिका सोधिया गार्ड लाइन क्वार्टर नंबर D22 मोमिनपुरा प्रथम उइके टुकड़ोजी नगर हिंगना निवासी मदद करते थे। अंबाजरी पुलिस स्टेशन की हद में एस कैफे नाम का एक हुक्का पार्लर चलाया जा रहा था, ऐसी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली, जिस पर जोन 2 का जो स्पेशल स्क्वाड है उसने वहां जाकर कार्रवाई की है। वहां पर करीब 10 से 15 हुक्का पॉट्स जो है वो उसके साथ में जो फ्लेवर्स कोल ये सब साहित्य वहां पर मिला, और साथ ही वहां पर अलग अलग एज ग्रुप के जो यंगस्टर्स थे वो हुक्के का सेवन करते पाए गए। इसमें जो एस कैफ़े के मालिक हैं और उनका स्टाफ है उनको आरोपी बनाया गया है। ऐसे ही इसमें कोटपा के भी सेक्शंस लगे हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शंस लगे हैं, और साथ ही साथ इस पे कोविड के नॉर्म्स फ्लाउट करने की वजह से एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट के अंतर्गत और IPC के विविध धाराओं के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है। करीब 1 लाख के आसपास का साहित्य इसमें जब्त कर किया गया है, और जो 3 जुवेनाइल भी वहाँ पर 18 साल से कम की उम्र के जो बच्चे हैं वो भी ऐसे हुक्के का सेवन करते पाए गए, उनको उनके पेरेंट्स के को बुलाकर उनके ताबे में दिया गया है, और बाकी के जो लोग उधर पर मिले हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई। इसके अलावा हुक्का पार्लर के अंदर शुभम देशमुख, न्यू संजय नगर, पांड्रा बोड़ी, सचिन भिड़े, रामनगर, आबश शिवसागर, रामनगर तेलंगखेड़ी, आदित्य जैन, शहीद चौक इतवारी, अन संजय जैन, बड़कस चौक महल, पीयूष मकानी, रघुकुल अपार्टमेंट, लकड़गंज गार्डन नागपुर, मोहम्मद इब्राहिम, आसिफ मोहम्मद, शोएब अक्रम, रामसुरे, बाबा नगर, शांति नगर, पवन प्रदीप तरसे, सतरंजीपुरा इतवारी नागपुर, तन्मय तिलरांदी, किला रोड महल निवासी को हुक्का पीते पकड़ा गया। हुक्का पार्लर के अंदर से हुक्का पाट व अन्य सामग्री जब्त की गई। इन सभी पर कोविड के अंतर्गत कार्रवाई की गई। पुलिस उपायुक्त विनीता साहू के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।